दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर गलत तरीके से रील्स अपलोड करते हैं, जिसके वजह से उनके रील्स वीडियो पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब रीच ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाता है। उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स का जो क्वालिटी है वो भी बेकार हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं Instagram ऐप को ओपन कर चुका हूँ, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर आपके Instagram पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपका Instagram अकाउंट को प्रोफेशनल बोर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप रील्स वगैरह अपलोड करोगे, कोई फोटोज़ वगैरह अपलोड करोगे Instagram पर, उसका रीच काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, एंड ज़्यादा लोगों के पास आपका फोटोज़ वीडियोस जाने वाला है। अगर आपके अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन नहीं है, तो उसको सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए क्या करना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर आपको थ्री लाइन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट टाइप्स एंड टूल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ऊपर आप देख सकते हो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी, आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब किस टाइप का कंटेंट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिलेगा, अपने हिसाब से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एडुकेशन, जैसे मैंने यहाँ पर एडुकेशन सर्च किया, आप देख सकते हो ऊपर एडुकेशन आ चुका है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर और भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद आपके प्रोफाइल पर जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक बिजनेस, दूसरा क्रिएटर, तो आपको क्रिएटर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके चला आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर चार स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड छः स्टेप भी यहाँ पर हो सकता है। तो वो सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ऊपर आपको राइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो योर ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर शेयर करने के लिए बोल रहा है, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड इधर से बैक करता हूँ। ऊपर आपको राइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एंड सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड आपको पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर एक फोटो में पोस्ट कर देता हूँ, तो ये वाला फोटो पोस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एंड मैं शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने शेयर कर दिया, पोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर से बैक करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर देखो पोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है थ्री ऑफ फोर, मतलब और एक स्टेप बचा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर देख सकते हो आपको दो और पोस्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पोस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड और एक पोस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ, एंड शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो और एक पोस्ट जैसे मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरा जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मैं पोस्ट कर देता हूँ, देन मैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ, एंड शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई लोग, मेरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, लास्ट 28 डेज के अंदर आपके अकाउंट का रीच कितना है, कितना फॉलोअर इंक्रीज हुआ है, कितना यहाँ पर एंगेजमेंट है, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप रील्स अपलोड करोगे, वो भी सही तरीके से। तो सबसे पहले आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, पोस्ट, स्टोरी, रील्स, लाइव, तो आपको रील्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो ये वाला वीडियोस मैं अपलोड करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ऊपर काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, म्यूजिक, टेक्स्ट, टिगर, फिल्टर, अपने हिसाब से ये सारा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। देन मैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, कंटिन्यू करता हूँ, तो ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट कवर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रील्स वीडियो का कवर फोटो सेट कर सकते, एक तरीके से आप थंबनेल भी बोल सकते हो। तो क्या करना है, अगर आपने थंबनेल बनाया तो उसको आप अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड फ्रॉम, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद
अपने हिसाब से कोई भी फोटो आप सेट भी कर सकते हो या फिर आप ड्रैग करके अपने हिसाब से कोई भी आप फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, देन डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो रील्स का कवर फोटो ऐड हो चुका है, नीचे आ रहा है राइट एक कैप्शन। तो आपको एक कैप्शन यहाँ पर ऐड करना है, अपने हिसाब से कोई भी कैप्शन ऐड कर सकते हो, जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है उस हिसाब से आप यहाँ पर कैप्शन ऐड कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख लेना। एंड कैप्शन के अंदर आप हैशटैग ऐड कर सकते हो, किसी को आप मेंशन भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं हैज लिखता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम। जैसे मैंने इंस्टाग्राम लिखा, ऊपर काफ़ी सारा हैशटैग आ चुका है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्रामर, इंस्टाग्राम रील्स। तो मैं एक यहाँ पर हैशटैग को सेट करता हूँ, उसके बाद किसी को आप मेंशन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बी एम टेक लिखा, मेरा यहाँ पर अकाउंट आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने बी एम टेक को यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, हैशटैग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको टैग देखने को मिले, किसी को आप टैग भी कर सकते हो, उसके बाद आपको ऑडियंस देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एवरीवन रखना है, ठीक है ना। एवरीवन रखोगे तो सभी के पास आपका रील्स वीडियो जाने वाला है एंड आपका रील्स वीडियो सब लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर ऐड टॉपिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका कंटेंट है उस हिसाब से आप इधर टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने टॉपिक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखो काफ़ी सारा टॉपिक आ चुका है। आपको फैशन एंड ब्यूटी देखने को मिलेगा, एनिमल्स देखने को मिलेगा, काफ़ी सारा आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा। अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तीन टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिया, डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको लोकेशन देखने को मिलेगा, आप लोकेशन ऐड कर सकती हो। और आपको देखने को मिलेगा शेयर टू फेसबुक, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फेसबुक पेज पर, फेसबुक अकाउंट पर भी आपका रील्स को आप शेयर कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इधर से इजीली भाई लोग शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे ऑटोमेटिक फेसबुक पर आपका जो रील्स है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। इधर से बैक करता हूँ, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती कर बैठते हैं। आपको ये सारा गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको नीचे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब आप फर्स्ट टाइम वीडियोस अपलोड करोगे तो ये ऑफ रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करोगे आपका जो रील्स वीडियो का जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होगा, हाई क्वालिटी पे आपका इंस्टाग्राम रील्स अपलोड होने वाला है। तो इसको आप हमेशा ऑन रखना। उसके बाद आप लाइक को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद आपको शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका इंस्टाग्राम रील्स अपलोड होने लगे। और यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग, मेरा इंस्टाग्राम रील्स यहाँ पर अपलोड भी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड कर सकते हो। जो प्रोसेस है मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।